ममता तिवारी लगातार मुख्यमंत्री फेस को लेकर सस्पेंस इस वक्त बरकरार है, लेकिन बस कुछ ही घंटे का और समय और उसके बाद ये सामने आ जाएगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा। ये बस कुछ ही घंटों पर फैसला आ जाएगा, इस कुर्सी पर कौन विराजमान होगा, बस कुछ ही घंटे और उसके बाद आपके सामने होगी वो तस्वीर, वो मुख्यमंत्री का चेहरा जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा है। 9 दिन बीत गए हैं चुनाव जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी 9 दिन तक लगातार स्ट्रेटेजी तैयार की गई। सीएम के चेहरे का ऐलान आज कर दिया जाएगा, 3 पर्यवेक्षक कुछ ही समय बाद जयपुर पहुंच जाएंगे और उसके बाद 4 बजे ठीक विधायक दल की बैठक होगी और ये विधायक दल की बैठक में फैसला लिया जाएगा कि अगला प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके सर पर वो पगड़ी सजेगी राजस्थान की और कौन आगे कमान संभालेगा राजस्थान की। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, राजस्थान के नए सीएम पर फैसला आज हो जाएगा विधायक दल की बैठक में, मोहर लगेगी उस फैसले पर और विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि लगातार ये देखिए विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और इस वक्त गहमा गहमी का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लगातार विधायक पहुंच रहे हैं, हमारी सहयोगी प्रियंका लगातार हमारे साथ बनी हुई है और प्रियंका पल पल की अपडेट जो है बीजेपी मुख्यालय से लगातार हमें दे रही है, वहां पर किस तरीके की हलचल है प्रियंका लगातार हमें बता रही है। प्रियंका आपके पास आऊंगी, दिखाइए तस्वीर और बताइए हलचल का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सस्पेंस बरकरार है कि मुख्यमंत्री कौन होगा और शाम तक मुख्यमंत्री के नाम का भी ऐलान हो जाएगा। लेकिन नेताओं से जान लेते हैं कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। बीजेपी नेता वो बता रहे हैं कि कुछ ही समय पहले वसुंधरा राजे से मिलकर आए, क्या बात हुई है? हमारे को तो पूरा आश्वासन है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दोबारा बनेगी और हमारे हलचल लग रही है कि ये चौंकाने वाला नाम होगा और वसुंधरा जी वापस बनेगी। ये चौंकाने वाला वसुंधरा राजे ने ये बता दिया आपको पहले? बताया नहीं, ये चौंकाने वाला फैसला होगा राजस्थान के अंदर, तो चौंकाने वाला फैसला भी होगा। और नेता ये भी कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे पूरी तरह आश्वस्त हैं कि शायद वो सीएम बन जाएंगी, आपको क्या लग रहा है? मेरे को लग रहा है मैडम गजेंद्र सिंह शेखावत या सुनील बंसल जनरल साहब बनेगा सीएम और बिल्कुल चौंकाने वाला नाम होगा, शाम को 6 बजे घोषणा हो जाएगी। ये तो वही सब नाम बता रहे हैं जो रेस में है, गजेंद्र सिंह शेखावत और ये वसुंधरा राजे, आपको क्या लग रहा है? हमारे को ये लग रहा है जो हमारे बीजेपी के जो हाईकमान करते हैं नहीं, जेपी नड्डा वगैरह वो करते हैं, हाईकमान करते हैं, वो हमारे को सबको मंजूर है। मन में तो कुछ होगा, हम ये जानते हैं, मैं खुद विधायक बनता हूँ। अरे बता दीजिए। नहीं नहीं, वसुंधरा बनेगी, ठीक है, वसुंधरा राजे है मन में आपके, आपके मन में कौन है? ऐसा है, ये हमारे आज ये विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है और हाईकमान से पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, पर्यवेक्षक यहाँ आए सभी विधायकों, ये सब तो हमें भी पता है, पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, विधायक दल की बैठक होगी, विधायक फैसला लेंगे, आपके मन में क्या है? ऐसा है, दूसरे राज्य जो हमारे 3 राज्यों में जो बीजेपी ने भारी जीत हासिल की है उनको देखते हुए जातीय समीकरणों के हिसाब से, अरे रटा रटाया जवाब दे रहा है, ये बताइए ना मन में क्या है, किसे सीएम बनाना चाहते हैं, अपनी भी तो कोई राय होगी। देखो हमारे अब वो मुख्यमंत्री आला कमान जो तय करेगा वही हमारा मंजूर। देखिए प्रियंका, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, ये आला कमान के हिसाब से चलते हैं, ये भी अभी तक अपने मन की बात भी नहीं बता पा रहे हैं और ये साफ तौर पर यहाँ पर नजर भी आ रहा है। प्रियंका मैं लौटूंगी, आप अपडेट देते रहिएगा, लेकिन बाबूलाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बाबूलाल, सबसे बड़ा अपडेट आपसे ये लेना चाहूंगी कि 3 पर्यवेक्षक कब तक जयपुर पहुंच जाएंगे? अभी वक्त है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अब से कुछ ही देर पहले बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे हैं और उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं करी और खुद जो है पार्टी कार्यालय के भीतर तक कार लेकर के नहीं गए, यानी गेट के बाहर से कार को लौटा दिया उन्होंने और फिर वो भीतर चले गए, यानी कि अब जो बड़े नेता हैं पार्टी के उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आधा दर्जन बीजेपी के विधायक पार्टी कार्यालय पहुंच गए हैं, लगातार विधायक आ रहे हैं, लेकिन जो भी बड़े जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार नेता हैं, वो कुछ भी नहीं बता रहे हैं, सबके लब सिले हुए हैं क्योंकि पार्टी अनुशासन के दायरे में उनको रहना है, पार्टी अनुशासन से ऊपर उठकर कोई बात नहीं करना चाहता, लिहाजा सबके सब जो हैं वो धीरे धीरे आने का सिलसिला शुरू। मेरे साथ में महेश कुछ अपडेट के साथ में, महेश क्या लग रहा है, क्या माहौल? देखिए माहौल तो अब धीरे धीरे जैसे बनने लगा है क्योंकि अब 8 MLA जो है अंदर पहुंच चुके हैं, 8 MLA जो है वो अंदर पहुंचने की खबर है और अब धीरे धीरे MLA जो है वो यहाँ आ रहे हैं
ऐसी जानकारी पाई कि कुछ एमएलए जो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात करने गए और उनके साथ ही जो है संभवतः वो यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन अब जो कयास है वो अलग अलग चेहरों के अलग अलग नाम जो है उनके और यहाँ पर लगने लगे हैं। कोई किसी का नाम बता रहा है, जब कार्यकर्ताओं से यहाँ पर बात करते हैं किसका नाम चल रहा है, तो एक नया नाम राजनाथ सिंह कब आ रहे हैं कुछ पता चला? देखिए राजनाथ सिंह का जिस तरह का कार्यक्रम है वो यही है कि 12 बजे जो है वो यहाँ करीब 12 बजे के आसपास में जयपुर में लैंड होगी उनकी फ्लाइट, और उसके बाद में वे होटल ललित जाएंगे, वहां पर 2-3 घंटे तक जो है रुकेंगे, और उसके बाद 4 बजे जो है वो यहाँ पर आने का कार्यक्रम रखा गया है। इसके लिए बाकायदा तैयारी की गई है, स्टेज जो है वो रखा गया, फोटोग्राफ होगा एक, जहां पर की सभी तमाम जो एमएलए हैं वो एक साथ रहेंगे, और जब घोषणा होगा जब ऐलान होगा। महेश भाई, तो उत्सुकता बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पार्टी कार्यकर्ता भीतर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एमएलए भीतर जाएंगे और जो पार्टी की ओर से अपेक्षित नेता है वो ही भीतर जाएंगे, इसलिए आज जो मुख्य मार्ग सरदार पटेल मार्ग वहीं पर रोक दिया गया है। भीतर यहां से जाने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं मिलेगी। आप देखिएगा पार्टी कार्यालय का नजारा ठीक बाहर से बहुत ही भव्य तरीके से आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय को सजाया गया है। नए मुख्यमंत्री का इंतजार यहां पर बीजेपी को, शाम होते होते आज नया मुख्यमंत्री प्रदेश को मिलने वाला है। ऐलान यहां पर होगा। सौरभ के पास कोई जानकारी? सौरभ बड़ी बात। जी बिल्कुल, देखिए एक जानकारी मिली है, जो बात चल रही थी केंद्रीय मंत्रियों की और किसी भी चौंकाने वाले नाम की जो बात चल रही थी उसमें ओम माथुर जो है वो दिल्ली है और अर्जुन राम मेघवाल, ओम माथुर जो है वो रायपुर है और अर्जुन राम मेघवाल जो है वो दिल्ली में, यानी अभी उनकी संभावना जो है वो कम नजर आ रही है। संदीप शर्मा एक और विधायक पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं, कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा। आप देखिए संदीप शर्मा क्या कहेंगे। संदीप जी आप बताइए कि आज नेता चुना जाना आपकी पसंद क्या है? देखिए भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित और कैडर बेस्ड पार्टी है, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण निर्णय हमारी हाईकमान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा साहब और उच्च नेतृत्व जो तय करता है वो सर्वमान्य नेतृत्व होता है और वो सभी उसका स्वागत करते हैं। क्या विधायकों में से ही होंगे सीएम जी? देखिए इसमें तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो कुछ भी होगा वो राजस्थान प्रदेशवासियों के हित में होगा। आपका नाम भी चल रहा है संदीप शर्मा के मुख्यमंत्री शर्मा भी हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के सेवक हैं और आपको लगता है वसुंधरा राजे का कोई अब चांस रहा है? तो संदीप शर्मा हैं जो कोटा दक्षिण के विधायक है, तीसरी बार लगातार चुनाव जीते। संदीप शर्मा कह रहे हैं कि जो भी पार्टी तय करेगी वही मुख्यमंत्री होगा, तो कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन संदीप शर्मा क्योंकि उस इलाके से आते हैं जहां से ओम बिरला ने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करी थी, ओम बिरला भी वहां से विधायक रहे हैं और ओम बिरला के बहुत नजदीकी विधायकों में शुमार होते हैं संदीप शर्मा जो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। जब ओम बिरला 2014 में सांसद बने थे तब संदीप शर्मा उनकी जगह पर चुनाव लड़कर के आए थे, फिर विधायक बने थे तो उपचुनाव में जीते, फिर 2018 का चुनाव उन्होंने जीता और अब 2023 में फिर से वो विधानसभा चुन करके पहुंचे हैं। सामान्य चेहरा है लेकिन बीजेपी इसी तरह के चेहरे पर दाव लगा सकती है, मुख्यमंत्री बना सकती है, तो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर गहमा गहमी बढ़ती हुई, चहल पहल बढ़ रही है, गतिविधियों में इजाफा हो रहा है और जल्द लग ही रहा है कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और बहुत ही जांच पड़ताल करी जा रही है। एक एक नेता को जो भी भीतर जाएगा उसे पूरा पता लगाया जाएगा वो है कौन, अगर विधायक होगा तभी परमिशन मिलेगी, नहीं तो आज भीतर किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। क्योंकि बिल्कुल बदलाव और उत्साह कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा है, वो हम तस्वीरों में देख भी रहे हैं क्योंकि आज वो दिन है जब नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा और इस बार तो बहुत ज्यादा कश्मकश भी देखने को मिली, कई नाम निकलकर सामने आए। अमूमन हमने पिछले चुनावों में देखा है कि पहले से ही मुख्यमंत्री का चेहरा तय रहता था, चुनाव जीतते थे और मुख्यमंत्री का चेहरा रहता था तो सीधे सीधे शपथ ग्रहण हो जाती थी, लेकिन इस बार ये भारतीय जनता पार्टी का एक अलग तरीका, चेहरा प्रधानमंत्री का था और अब जो लगातार चर्चाएं हैं, जो स्ट्रेटेजीज हैं वो बनाई जा रही है। प्रियंका आपके पास आऊंगी, प्रियंका अपने कैमरे से भी तस्वीर दिखाइएगा क्योंकि मैं देख रही हूं आपके आसपास पुलिस का पूरा पहरा है, पूरा जो रास्ता है उसे भी पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया है। प्रियंका मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ममता, आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक और तस्वीरें एक बार कैमरामैन से बोलेंगे कि जरा कैमरा घुमाकर दिखा दे किस तरीके से
आज पूरा प्रदेश भगवामय हो गया है। सुबह के 11 बज चुके हैं और अब लगभग एक घंटे का वक्त बचा है जब राजनाथ सिंह जयपुर पहुंचेंगे विशेष विमान के जरिए, और उसके बाद चूंकि वो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं तो विधायक दल की वो बैठक लेंगे, और जो दो और पर्यवेक्षक हैं वो भी कुछ ही समय में जयपुर पहुंचेंगे, विधायक दल की बैठक की शुरुआत होगी। सुरक्षा को लेकर इंतजाम कर दिए गए हैं, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, एक एक कर विधायक यहां पर, कुल 115 नव निर्वाचित विधायक जिन्हें कॉल करके बुलाया गया है वो लगातार कार्यालय पहुंचने लगे हैं, और अब आम लोगों के लिए एंट्री बंद कर दी गई है। मीडिया भी अब अंदर नहीं जा सकती है क्योंकि अंदर एक बड़ी बैठक होने वाली है, विधायक दल की बैठक ममता, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये फैसला होगा कि राजस्थान की कमान अगले राजस्थान का मुखिया बागडोर किसके हाथ में सौंपी जाएगी, कौन नेतृत्व करेगा। हम कोशिश करेंगे अखिलेश की। आप देखिए कि अभी सभी को बहुत उत्सुकता है नाम की, और कुछ समय में अभी वो उत्सुकता जो है वो उसके लिए नाम भी आ जाएगा। तो विजय जी, मुझे ये इतना विश्वास है कि जो हमारा सीएम बनेगा वो सीएम राजस्थान का विकास करने वाला, आदरणीय मोदी जी का जो विकसित राजस्थान का जो सपना है वो सपना साकार करने वाला ऐसा सीएम हमें मिलेगा। क्या फॉर्मूला कौन सा होगा, एमपी या छत्तीसगढ़ या नया फॉर्मूला राजस्थान के लिए? देखिए कुछ भी बोलने के लिए तैयार जो है वो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि तमाम नेता जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कौन जो है वो राजस्थान की बागडोर संभालेगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। बाबूलाल देखिए, हम लगातार उन नव निर्वाचित विधायकों से भी बात कर रहे हैं, कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन सब लोग ये जानते हैं। प्रियंका से मेरा ये सवाल है, प्रियंका हम नव निर्वाचित विधायकों से लगातार बात कर रहे हैं क्योंकि वो अब लगातार भीतर जा रहे हैं जो बैठक होने वाली है विधायक दल की उसको लेकर, लेकिन उनके चेहरे में खुशी तो है लेकिन कोई भी कुछ कहने से बचता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, और सबका ये कहना है कि प्रधानमंत्री या हमारे आला कमान जिसको भी कमान सौंपेंगे हम उसके साथ खुश रहेंगे और वही राजस्थान की भागदौड़ को संभालेगा आगे। बिल्कुल बिल्कुल ममता, लोगों ने अपने जुबान पर लॉक लगा ली है, शायद आला कमान से यह भी फरमान आया होगा कि कोई ज्यादा कुछ बोलेगा नहीं। हाँ। लेकिन नतीजे कुछ समय में सामने भी आ जाएंगे और ये पता चल जाएगा कि आखिर आला कमान क्या चाहता है और कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री। ये देखिए यहाँ पर हलचल तेज होती हुई ऐसा लग रहा है, कोई विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं, ये गाड़ियों की रफ्तार तेज होती चली जा रही है और एक एक कर विधायक अब पहुंचने